घाघरा थाना क्षेत्र के कोटामाटी मोड़ के समीप हथियारबंद अपराधियों ने भारत फाइनेंस के दो कर्मचारियों के साथ बुधवार को मारपीट कर 50,000 नकद, स्कूटी एवं दो मोबाइल की लूट कर घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में भारत फाइनेंस के संगम मैनेजर विकास कुमार साहू ने बताया कि उनके साथ भारत फाइनेंस के एक अन्य कर्मी अंकित कुमार थे। दोनों व्यक्ति कोटामाटी ग्राम में महिला समूहों को दिए गए ऋण की राशि वसूली कर करीब 11:30 बजे गुमला वापस स्कूटी से लौट रहे थे कि गांव से महज 200 मीटर दूर पर स्थित मोड़ में चार अपराधी रोक मारपीट कर पैसा छीनने लगे। पैसा नहीं देने पर एक व्यक्ति द्वारा छोटा हथियार निकालकर मेरे सिर पर हथियार के बट से वार कर घायल कर दिया और स्कूटी की डिक्की में रखे 50,000 नकद और दोनों का मोबाइल के साथ स्कूटी लूट कर बेंती गांव की ओर भाग निकले। वहीं ये भी बताया कि दो व्यक्ति के पास हथियार थे जबकि दो खाली हाथ थे। घटना के बाद भारत फाइनेंस के दोनों कर्मी पैदल घाघरा थाना पहुंच घटना की जानकारी लिखित दी। घायल फाइनेंस कर्मी को घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस घटनास्थल दोनों कर्मी के साथ पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस छापेमारी कर रही थी। भारत फाइनेंस कंपनी से हम बोल रहे हैं, हम कोटामाटी आए थे क्रशिंग करने के लिए, जिसे क्रशिंग करके हम लौट रहे थे। हथियार के बल से मेरा करीबन 50,000 लगभग लूट के ले लिया और साथ में गाड़ी भी, मोबाइल वोबाइल और एक मेरे कर्मी का पर्स भी। कितने अपराधी थे? क्या कितने अपराधी थे? 4 अपराधी थे। और सबके पास क्या था? पैसा था, गाड़ी था, मोबाइल था, सब लूट गया। उन लोगों के पास क्या था? हथियार भी थे। हथियार था दो। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।